हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से हम लोग साइकोलॉजी टेस्ट का फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 10 क्वेश्चन फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आफ्टर चेंजिंग रो 1 एंड रो 4, कॉलम 2 एंड 3 आर चेंज्ड। नाउ व्हिच अल्फाबेट इज एट फर्स्ट प्लेस इन कॉलम 3। फर्स्ट प्लेस इन कॉलम 3 मतलब इस पोजिशन। ये सब करने के बाद इस पोजीशन में कौन आएगा? रो 1 और रो 4 को जब चेंज करेंगे तो एक आ जाएगा, क्या होगा? ई। और डी का जाएगा कौन होगा? बी। उसके बाद जब हम कॉलम 2 और 3 को जब चेंज कर देंगे तो डी, ये बी का जाएगा कौन आ जाएगा? ई। ई यहाँ पे चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ई। फिर से एक बार देख लीजिए, रो 4 को हम रो 1 का जगह लेके जा रहा है और कॉलम 2 और 3 को चेंज कर रहा है, तो यहीं से हमको मिल जाएगा। चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होगा, ये बी का जाएगा में ही चला जाएगा बस, और ये ऊपर में जाएगा, तो कॉलम 3 का सेकंड प्लेस में अभी ये होगा, ये बी का जाएगा में ई, तो इसका आंसर क्या होगा? ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच अल्फाबेट इज एट सेकेंड प्लेस इन कॉलम 2 आफ्टर रिवर्सिंग इट। तो कॉलम 2 को रिवर्स करके सेकेंड प्लेस, रिवर्स करेंगे तो सेकेंड प्लेस में कौन होगा? ई। सी का जगह में ई चला जाएगा रिवर्स करने के बाद, तो सेकेंड प्लेस में कौन होगा? ई। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर चेंजिंग ऑल कॉलम्स विथ रोज, मतलब कॉलम 1 रो 1 का साथ चेंज, कॉलम 2 रो 2 का साथ चेंज, कॉलम 3 रो 3 का साथ चेंज, मतलब ऐसे करके चेंज हो रहा है। विच अल्फाबेट इज टू द राइट ऑफ सेकेंड अल्फाबेट इन कॉलम 2। राइट ऑफ सेकेंड अल्फाबेट इन कॉलम 2, कॉलम 2 में सेकेंड अल्फाबेट कौन सा है? सी। उसका राइट में कौन है? ए। तभी रो 3 कॉलम 3 का साथ चेंज हो रहा है, तो रो 3 में कौन है? सेकंड का राइट में सी है, सॉरी, सेकंड अल्फाबेट इन कॉलम 2। सेकंड अल्फाबेट इन कॉलम 2 मतलब सी, तो सी का राइट में है ए। तो हमको देखना है कि कॉलम 3 किसका साथ चेंज हो रहा है, रो 3 का साथ चेंज हो रहा है, तो रो 3 में सेकंड अल्फाबेट कौन है? बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। कॉलम जब रो का साथ चेंज हो रहा है तो कॉलम 3 में अभी कौन सा होगा? रो 3, तो रो 3 का सेकंड प्लेस में कौन है? बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द फोर्थ अल्फाबेट ऑफ रो 2 इफ ए कम्स इन द लास्ट ऑफ कॉलम 2। तो कॉलम 2 का लास्ट में ए है, देखते हैं। नहीं है, डी है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है? अदरवाइज द आंसर इज द लास्ट अल्फाबेट ऑफ कॉलम 5। लास्ट अल्फाबेट ऑफ कॉलम 5 कौन सा है? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसलिए सेकंड कंडीशन का आंसर होगा कि लास्ट अल्फाबेट ऑफ कॉलम 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच अल्फाबेट इज देयर आफ्टर टेकिंग ए लेफ्ट फ्रॉम सेकेंड अल्फाबेट इन रो 4। सेकेंड अल्फाबेट इन रो 4 मतलब ई, तो उसका लेफ्ट मतलब डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। सिंपल, कौन सा अक्षर पंक्ति 4 के दूसरे अक्षर का बाएं ओर है? तो दूसरे अक्षर का बाएं ओर कौन सा अक्षर है? पहला अक्षर। तो पंक्ति 4 का पहला कौन सा है? 4। यही 4 मतलब डी। इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि आफ्टर रिवर्सिंग रो 3 एंड 5, रो 3 मतलब ये वाला रो और रो 5, इन दोनों को रिवर्स करना होगा। उसके बाद व्हिच अल्फाबेट इज द बिटवीन सेकेंड एंड फोर्थ अल्फाबेट ऑफ कॉलम 2। सेकेंड एंड फोर्थ, उसका बीच में कौन है? बी। तो उसके पहले क्या है? इसको रिवर्स किया है, तो रिवर्स किया है मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, 5 का साथ कोई मतलब नहीं है।
सेकेंड और फोर्थ अल्फाबेट बोला है, ठीक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर, मतलब यहाँ से आफ्टर मूविंग टू प्लेस, तो टू प्लेस मूव कर रहा है मतलब ए डी वी टेक राइट, तो यहीं से राइट लेना मतलब नीचे का तरफ। देन वी मूव टिल वी फाइंड बी, तो बी जितना तक नहीं मिल रहा है हमको जाना है, तो यहाँ से बी मिल गया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, देन वी टेक राइट फ्रॉम देयर एंड मूव वन प्लेस, तो यहाँ से राइट लेंगे तो मूव वन प्लेस मतलब यहाँ पे आ गया। अभी क्या बोल रहा है, व्हिच अल्फाबेट इज देयर, तो यहाँ पे कौन है, ई। इसका आंसर क्या होगा, ई। इस क्वेश्चन में मैं और एक चीज़ देखा है कि यहाँ पे अगर केस ऐसा होता कि बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम राइट कॉर्नर मतलब ये नंबर को हम छोड़ दें, यहाँ पे नहीं बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट अल्फाबेट, तो टॉप लेफ्ट अल्फाबेट बोलते तो मैं सी, अगर टॉप लेफ्ट कॉर्नर बोला है तो कॉर्नर बोला है मतलब मैं कॉर्नर चूज किया, तो वहीं से टू प्लेस मूव, टू प्लेस मूव मतलब ए, उसके बाद जितना तक हमको बी नहीं मिल रहा है उतना तक जाना है, तो यहाँ तक यहाँ पे बी मिल गया, तो इसका राइट में आएंगे तो इसका राइट में भी मेरे को ई मिलेगा। देखिए इसका आंसर ई, तो ई मिल रहा है इधर से भी, और अगर हम दो प्लेस अगर अल्फाबेट से भी जाता है तो फिर से हमको ई मिल रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा पता नहीं, लेकिन दोनों केस में ई मिल रहा है, ठीक है। मेरे को लगता है कि ये सी ए ए वाला ई राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट नहीं बोला है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अल्फाबेट इज इन बिटवीन सेकेंड एंड फोर्थ अल्फाबेट ऑफ कॉलम फोर, कॉलम फोर का सेकेंड और फोर्थ उसका बीच का नंबर कौन है, ए। आफ्टर चेंजिंग रो थ्री और फाइव, तो रो थ्री और फाइव को हम चेंज कर रहे हैं, तो ए का जगह कौन होगा, बी, लेकिन बी यहाँ पे चला जाएगा, रो थ्री और फाइव को जब हम चेंज करेंगे इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच अल्फाबेट इज ऑलवेज बिलो अल्फाबेट ए, तो ए का नीचे हर जगह में कौन सा अल्फाबेट है, देखिए ए का जगह में यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे तो ए का नीचे कुछ है नहीं, तो हर जगह हमको सी मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन व्हिच अल्फाबेट इज सेकेंड प्लेस बिलो फ्रॉम सेकेंड अल्फाबेट इन रो टू, सेकेंड अल्फाबेट इन रो टू कौन सा है, सी, उसका दो प्लेस नीचे मतलब ई, इसका आंसर क्या है, ई। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन डिस्कस किया फिर से आप लोग के साथ, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, थैंक यू।